इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान ने धर्म के विरुद्ध अपने जीवन को एक दिन भी नहीं जाने दिया, धर्म पथ पर चलते रहे प्रभु। इसलिए राम जी धर्म की प्रतिमूर्ति कहे जाते हैं। रामो विग्रहवान धर्मः, भगवान धर्म की प्रतिमूर्ति हैं। हमारे आपके हृदय में इस भाव का, सत्व भाव का प्रसार हो और हम अधिकतम रजस की ओर से, राजस की ओर से, रजोगुण की ओर से, सत्व गुण की ओर अपने को बढ़ाकर भगवान की भक्ति प्राप्त करें। प्रातस्मरणीय पूज्य चक्रवर्ती जी महाराज एक दिन दर्पण लेकर अपना मुकुट समकिए, कान के पास के बाल श्वेत दर्शाए, हृदय में ये भाव जगा, हे राजा, राम जी ज्येष्ठ श्रेष्ठ हो गए, उनको आप युवराज पद पर अभिषेक करके सब कार्य सौंपिए। गुरुदेव की आज्ञा लेने गए। गुरुदेव ने कहा, राजन, जिनसे विमुख होने पर जीव को पश्चाताप होता है, जिनके भजन बिना जीव का ताप नहीं समाप्त होता है, वही जगदीश आपके पुत्र होके आ गए हैं। मुहूर्त का विचार क्या करना है। बेघि विलंब न करिय नृप, साजिय सब सुद न सुमंगल तब राम हो। सुद न सुमंगल तब जब मंगल दिवस, सुंदर दिवस कब, जब राम जी युवराज पद पर बैठ जाएं। राम जी कब बैठेंगे, जब राम जी चाहेंगे। राम जी कब चाहेंगे, जब चाहेंगे। अरे कब चाहेंगे, जब चाहेंगे। आप बताइए, मेरे राम जी के ऊपर भी कोई सत्ता है का हो, नहीं ना। राम जी जब चाहेंगे। बेगी विलंब न करिय नृप। गुरु जी ने क्या कहा, बेगी। अरे भाई, कुछ कार्य के लिए तो सुभस्य शीघ्रम, कई काम ऐसे हैं जो हमारे हाथ में नहीं होता, होते तब भी हम उनको टालते रहते हैं, अभी नहीं करेंगे। कब करेंगे, हमारी जब इच्छा होगी तब करेंगे। सब तुम्हारे बस में है क्या। सांस तो अपने बस में नहीं है, कोई कह देगा। हम सांस नहीं कर रहे हैं, सांस कर रहे हैं। सांस कोई लगा ले कि सांस हमारे बस में नहीं है, सांस किसी के बस में नहीं होनी चाहिए। सांस अपने बस में नहीं है, सांस भी परमात्मा की दी हुई, जितनी मिली है उतने हम ले सकते हैं। जब जर्रा जर्रा, पत्ता पत्ता, क्षण क्षण, पल पल भगवान के हाथ में है, वक्त का हर शय गुलाम है ना।
तो पे सुदिन सुमंगल तब ही जब राम राम जी कब होंगे। एक पंक्ति बड़ी अच्छी है सुनिए। राम की न चाहे सोई हो ही करे अन्यथा अस नहीं को। जो राम जी करना चाहते हैं वही होता है। कोई ऐसा नहीं जो राम जी के भाव के सोचने के विचार के विहार के अनुकूल ना प्रतिकूल करने लगे, कौन करेगा। फिर पिताजी ने सोचा तो पिता को अधिकार है, पिता सर्वोच्च शिखर है, कुछ भी सोच सकते हैं पिताजी, आप पूछ नहीं सकते हो। आपने क्यों सोचा पिता है, सर्वश्रेष्ठ सत्ता है परम पिता है। कई लोग कहते हैं हमारे पिताजी हमारी सुनते नहीं, सुनेंगे क्यों, तुम पिता हो कि वो है। पिता को सुनना भी नहीं चाहिए, पिता को जो समझ में आया वही सही है। पिता है, है सत्ता है। तो पिताजी ने राम जी से चर्चा नहीं किया, मंत्रणा भी नहीं किया। शायद किए होते तो राम जी कहते कि पिताजी अभी नहीं, मुहूर्त नहीं बना है, आगे करेंगे। लेकिन ना, पिता एक सत्ता है। गुरु जी से पूछे जो रघुवंश के पुरोधा हैं, श्रेष्ठतम है, क्या कहे। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो, क्या व्यवस्था है देखिए। और इसी में बात बन गई, क्या बन गई। गुरु जी ने कहा, चक्रवर्ती जी ने व्यवस्था व्यवहार बढ़ाया और देवताओं को परमात्मा ने संदेश पा करके प्रेरित किया। विघ्नेश्वरी आई, मंथरा की मति पलटी, कई कई मैया ने स्पर्श किया, बुद्धि बदल गई। सावधान, जिसके पास जाने से बुद्धि में विकार उत्पन्न हो उससे दूरी बना के रखिए, दूर रहिए। सीधे आ रहे हो तो उल्टे भागिए, क्यों, को न कुसंगति पाई नसाई। संसर्ग दोष सबसे बड़ा दोष माना गया है। अरे ठीक है, ऐसे रहो, ऐसे आनंद में रहो। वाक पटुता नहीं है, व्यवहार सिद्धि है। आप जरा विचार करें, राज रानी रघुवंश की महारानी मां कैकेयी को मंथना ने समझा लिया, किसी भी परिवार में कोई भी उत्पात उपस्थित हो तो ध्यान रखिएगा, बुद्धि विवेक के संभावी लोग नहीं समझाते। नौकर समझा देता है, सेवक समझा देता है, ड्राइवर ले हो गया काम। अरे तुम्हारी चेतना में ए ऊर्ध्व स्थिति नहीं है कि तुम्हें कोई समझा ले रहा है। श्री राम, हम किसकी सुनेंगे इसका भी विवेक होना चाहिए। हमारा सेवक समझा दे रहा है हमको, हमारी दादी समझा दे रही है। चौथे पायदान पर बैठा व्यक्ति जब आपको कुछ समझाएगा तो अपना स्वार्थ आगे रखता है, फिर आपका परमार्थ बाद में, वो क्या सोच पाएगा, कभी सुनना नहीं। चौथे पायदान की राय कभी सुनना नहीं, उसको कहने का अवसर भी देना नहीं। चेतना के ऊर्ध्व भाव से, ऊर्ध्व स्थल से ही सुनने की प्रवृत्ति हमारी होनी चाहिए। किसकी सुने, किसी की नहीं आवे तो सदग्रंथों की सुनो। अपने स्वार्थ में महाभारत करा दिया शकुनी ने, करा दिया, जगत साक्षी है, करा दिया।
परमात्मा धर्म की सुनते हैं। हम में विवेक जागे हम धर्म की। स्वार्थ में हम इतने आगे हो गए, इतने आगे हो गए, इतने बढ़ गए कि हम जो करें वही धर्म हो गया। गलत, अन्याय। हम जो करें धर्म नहीं है, धर्म जो कहता है हम वो करें। हम जो कहें वो धर्म है, गलत, ये अन्याय। धर्म क्या कहता है ये विचार करना है, उस पथ पर चलना है जो पथ धर्म का पथ है, अधर्म के पथ पर नहीं चलना है। आसुरी प्रवृत्तियां धर्म को निर्मूल करने के लिए अधर्म का आश्रय करती हैं। हम आप भगत हैं, हम धर्म पथ का अनुगमन करें, धर्म पथ का अनुसरण करें। चाहे जो धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म अपने रक्षक की रक्षा करने में सक्षम है। परमात्मा श्री राम धरती के भार को उतारने के लिए आए थे। समाज विज्ञान का यह सिद्धांत है, सम चिंतन, सम विहार, सम भाव, सम बुद्धि, सम सोच में ही आपसी मंत्रणा करनी चाहिए, बहुत ऊपर नीचे नहीं। ऐसा हुआ तो हम समझ लेंगे, हम रह लेंगे, हम जी लेंगे, हम जान लेंगे। परिणाम संध्या वेला में श्री चक्रवर्ती जी महाराज कई कई माँ को श्री राम प्रभु की युवराज पद पर अभिषेक करने हेतु शुभ संदेश देने आए। माँ तो कोप भवन में मंथरा के सिखाए, गए सहजावस्था में लाड़ लड़ाने लगे। अरे ऐसा क्या है, क्या हुआ, बहुत चर्चा है। कई कई अम्बा ने दो वरदान मांग लिया, अभिषेक राम जी का नहीं भरत जी का होगा। कोई बात नहीं, किसी का हो, पुत्र तो हमारे हैं। दूसरा वरदान, राम जी अयोध्या जी में नहीं रहेंगे, 14 वर्ष वन में रहेंगे, विशेष उदासीन वेश में रहेंगे, उसी व्रत का पालन करेंगे। महाराज निडाल हो गए, बेवल हो गए, इसकी कल्पना नहीं थी महाराज। जानिए क्यों रहेंगे, कह के अम्बा ने ऐसा वर मांगा ही क्यों। राम जी अयोध्या में रहते तो कुछ अन्यथा हो जाता क्या। भरत जी राज हो जाए, चक्रवर्ती जी महाराज भी कहते मैं तो छोटा बड़ा जानकर मानकर और ऐसा विचार किया क्या। प्रातःकाल भरत जी को बुलवाता हूं, अभिषेक देता हूं, लेकिन वन में राम जी का क्या काम। माने नहीं माना, इसके पीछे का सिद्धांत बड़ा ही मीठा है। जीवन में राम राज्य की जो परिकल्पना हमने बनाई, यदि हम चाहते हमारे जीवन में राम राज्य आए तो हमको 14 वर्ष वन में भी रहने का अभ्यास होना चाहिए। यदि हम 14 वर्ष वन में नहीं रह सकते तो हम राज तिलक सार नहीं सकते, यह सिद्धांत है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।